आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। सावन सिंझारा, जी हां, सावन का महीना है और हरियाली तीज भी हम सावन सिंझारा को कहते हैं। हरियाली तीज यानी सुहागिन महिलाओं का एक ऐसा तीज, जनरली हम हरितालिका तीज जानते हैं जिसमें महिलाएं भूखी रहती हैं, अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, लेकिन एक है सावन वाली तीज यानी कि हरियाली तीज, जिसमें आप रंग बिरंगे खूबसूरत वस्त्र पहनते हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खाते हैं, सजते संवरते हैं और जितना इंजॉय हो सके आप उतना करते हैं। आज हम एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर सावन सिंझारा यानी कि हरियाली तीज मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे परिधान में कितनी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं हैं, किसी ने पीले वस्त्र पहने हैं तो किसी ने हरे, किसी ने नीले, मतलब मैं कहूँ कि अगर इंद्रधनुष के रंगों को पिरोया जाए तो शायद आज इंद्रधनुष के रंग ही जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चूंकि इसकी जो थीम है वो है लहरिया थीम, इसलिए जितनी भी महिलाएं आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि सभी जो है वो लहरिया वस्त्र यानी लहरिया साड़ी में नजर आ रही हैं। और जिसे हम सोलह श्रृंगार कहते हैं ना, वो ज्यादातर महिलाओं ने सोलह श्रृंगार किया है। चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, जितनी भी श्रृंगार की चीजें होती हैं वो सभी आज महिलाओं ने किया है। हम एक एक करके इनसे पूछेंगे कि आखिर हरियाली तीज है क्या, क्यों मनाते हैं। सावन में तो मतलब शिव जी की पूजा होती है, अगर गौरी जी की बात करें तो माँ गौरी जो है वो खुद सोलह श्रृंगार करती थी, खूब सारे वस्त्र पहनती थी और ये कामना करती थी कि उन्हें शिव जी मिल जाएं, तो शिव जी उन्हें मिले भी। और महिलाएं ऐसी मान्यता है कि सावन में जो शिव जी की पूजा करता है उसे शिव जी जैसा ही पति मिलता है। और आज के दिन यानी हरियाली तीज के दिन महिलाएं जो है वो खूब सजती संवरती हैं, खूब मिठाइयाँ खाती हैं, झूले पे झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं। इस प्रोग्राम की जो आयोजिका हैं दीपाली जी, सबसे पहले हम उनसे जान लेंगे कि हरियाली तीज है क्या और इस आयोजन का क्या मकसद है। दीपाली जी, हरियाली तीज बस कुछ नहीं है, सावन की सेलिब्रेशन है। और आज शिव पार्वती जी के मतलब उन्होंने आज एक साथ रहने का वचन लिए थे और आज पूजा करते हैं शिव पार्वती जी की। और किसानों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये बारिश बारिश होती है, किसान भी बहुत हैप्पी होते हैं। तो सावन क्या है, बस एक सेलिब्रेशन है हरियाली तीज और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जनरली सावन में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, सब कुछ है। सोलह श्रृंगार यहाँ पर है लेकिन वस्त्र किसी किसी ने ही हरे डाले हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने सोचा ना, इस बार सावन दो महीने का था, सब फीमेल्स थक गई होंगी हरा रंग पहनते पहनते, तो हमने सोचा कुछ रंग भर दिए जाएँ, सावन के रंग सभी तरह के इंद्रधनुष रंग भर दिए जाएँ, बस इसलिए हमने कोशिश की कि कुछ नया किया जाए। अच्छा, झूला मुझे यहाँ पे मिसिंग लग रहा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों आपको ख्याल नहीं आया जैसे झूला? या फिर एक्चुअल में क्या था ना, ये होटल में थीम थी तो हमें थोड़ा सा झूले वूले का ध्यान रखना पड़ा कि नहीं रख सकेंगे। हाँ, कहीं अगर हम नेचर के साथ एनवायरनमेंट में होते कहीं पे ऐसी जगह पे तो ज़रूर हम झूला करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि आपको वैसा कुछ भी मिले। जी दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी, आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत महिलाएँ हैं। लहरिया थीम है आज की, सावन सिंझारा जिसे हम कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ कि बहुत लोग जो जैसे मिथिला में एक कल्चर है मधुश्रावणी, मधुश्रावणी जो लोग जानते होंगे उन्हें पता होगा कि जो नई नवेली दुल्हन जिनकी नई नई शादी होती है ना, वो मधुश्रावणी का आज जो है वो मनाती हैं, बहुत ही सजती संवरती हैं और कहते हैं कि एक साल तक जो है वो उन्हें उसी हिसाब से रहना पड़ता है, बहुत कुछ मानना पड़ता है। तो मधुश्रावणी भी मुझे लगता है आज से जो है वो है, और जो मिथिला कल्चर को बिलोंग करते हैं ना वो इस चीज़ को बहुत ही भली भांति समझेंगे। खैर, अभी हम सावन सिंझारा की बात कर रहे हैं तो उस पर ही बात कर लेते हैं। बहुत प्रिटी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। अच्छा, करती नहीं हूँ एक्चुअली, मैं बंगाली हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी निर्जला व्रत करते हैं, फिर शाम को पूजा करते, मुझे भी लगता है कि मैं भी करूँ, बट ये मतलब फेस्टिवल हम लोग में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। तीज करना बहुत पसंद है और इस हरियाली तीज की मान्यता है कि इसमें तो फास्टिंग तो रहते नहीं है लेकिन आप खूब खा सकते हैं। और अच्छा, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बता दूँ कि ये बाई कल्चर ये बंगाली हैं लेकिन इन्हें पसंद है ये कल्चर, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वहाँ ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक कम्युनिटी में हैं तो आप हर फेस्टिवल जो है वो बहुत ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। येलो विथ ग्रीन, ये मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या विद ग्रीन टीम अप किया आपने आज? हाँ, बस मैं लहरिया पहनना था तो सोची सावन भी है तो थोड़ा ग्रीन एंड येलो मिक्स करके पहन लिया, और क्या, बस
अच्छा एक चीज यहाँ पर और मैं गौर करूंगी, क्योंकि क्या होता है ना कि जनरली जो यंग जनरेशन की लड़कियां होती हैं वो तो बहुत इंजॉय करती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी एक एज हो जाती है ना तो आप थोड़ा सा हिचकते हैं कि यार कितना ही मेकअप करना है, क्या ही लिपस्टिक, क्या ही पाउडर, ये सब लगाना है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ बढ़ती उम्र को, जिसे कहते हैं ना मात देना, तो बढ़ती उम्र को आप मात दे रही हैं। यू लुकिंग वेरी प्रिटी। मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं, मैं क्या बोलू। बट लगता है उम्र की उस दहलीज पे हूँ जहाँ जितना कुछ करना करना चाहिए। यंग तो हम हमेशा मन से होते हैं बस। और सब आप लोगों का विशेष है, थैंक यू सो मच। आप क्या कहें, एज कोई फैक्टर नहीं होता है। जिस समय मन बड़ा होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए और सारे मेकअप करना चाहिए, जब तक लाइफ है तब तक, मेरा ये सोचना है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि जिंदगी में जो है वो सारे मेकअप करने चाहिए। आप मतलब मन से जवान होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उम्र ढल रही है तो क्या हुआ, जीवन के जो है वो मजे लीजिए। यू लुकिंग वेरी 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 प्रीटी और आप अट्रैक्ट करिए। एक्चुअली कुछ कलर्स होते हैं ना जो आपको बहुत दूर से अट्रैक्ट करते हैं, लाइक येलो, येलो विथ पिंक, तो आप बहुत दूर से अट्रैक्ट करें। कैसा लग रहा है सावन सिंझारा, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं या बहुत लंबे समय से सेलिब्रेट करती आ रही हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हर साल आता है। हाँ, इसमें हम लोग 16 सिंगार करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, ये हम लोग को लिए बहुत अच्छा लगता है ये। अच्छा, ये तो अब मैं काफ़ी देर से मैं 16 सिंगार की ही बात कर रही हूँ और मैंने दिखा दिया आपको वीडियो में कि जितनी भी महिलाएं वो कितनी प्रिटी लग रही हैं। अब मैं थोड़ा सा खान पान पर बात करूँगी कि जो लोग जानते हैं कि क्या कल्चर है खान पान का। जैसे मैंने मिथिला की भी बात कही कि जब मधुश्रावणी आते हैं तो उसमें मिथिला कल्चर जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसका खान पान थोड़ा अलग है। लेकिन आज हरियाली तीज के दिन क्या कुछ खाते हैं? आज के दिन गुजिया बनते हैं हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, गुजिया, मालपुए, पूड़ी, ये सब घेवर जरूरी है आज के दिन। तो ये दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में ये जरूर, और आज के दिन मेहंदी जरूरी होती, झूले जरूरी होते और बाइसन। अच्छा, इनके हाथ में, मैं कहूँगी इनके हाथ पर आप फोकस करें, मतलब इनकी मेहंदी जो है वो बहुत ही औसम लग रही है। इन्होंने हरियाली तीज भी लिखा है, झूले भी बनाए हैं, सब कुछ जो है मतलब पूरी हरियाली तीज जो है वो अपने हथेलियों पर ही उकेड़ लिया। अच्छा, घेवर की बात इन्होंने कही, घेवर क्यों जरूरी है आज? घेवर मीठा होता है, इस वजह से बरसात की मिठाई होती है शुरुआत में, इसी वजह से, हाँ इसीलिए। हम लोग तो जैसे झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड में घेवर का उतना कल्चर नहीं है, तो फिर कैसे मैनेज? ज्यादा घेवर बनता है यहाँ पर, मिलते हैं कि? यहाँ मिलते हैं, चुरुवाला में मिलता है वैसे। कल्चर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का। यहाँ बिहार में भादो वाला तीज मनाते हैं जो नेक्स्ट मंथ आएगा, ये उत्तर प्रदेश वाला सावन का ये है हमारा हरियाली तीज। तो जी बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि क्योंकि देखिए हम बिहार से बिलोंग करें, हम झारखंड से बिलोंग करें, हम यूपी से बिलोंग करें या हम मिथिला से बिलोंग करें, डजंट मैटर, मैटर बस ये है कि आपको खुश रहने के बहाने चाहिए, चाहे आप तीज मनाएं, आप हरियाली तीज मनाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको खुश रहना है। तो खुश रहने के तो बहाने कुछ भी हैं, जैसे अच्छा ये मुझे थोड़ी सी अलग लग रही हैं, लुकिंग लाइक यू नो अप्सरा, जैसे वो जो तैयार होती है ना, ये थीम कैसा मतलब आपको लगा कि पूरा अटायर वो ऐसा होना चाहिए? जब 16 सिंगार है तो लगा कि 16 सिंगार होना ही चाहिए, तो 16 सिंगार में ये भी आता है मांग टीका भी कुछ उस टाइप का, इसलिए मैंने इसको लगाया। ये ओरिजिनल मांग टीका है, मतलब फूलों का मांग टीका है? यस यस, ओरिजिनल, इस ओरिजिनल। कैसा लग रहा है सेलिब्रेट कर? बहुत मजा आ रहा है, बस हस्बैंड को मिस कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जैसे आपके बाद वही में सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं, वो भी यहाँ है नहीं, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स के साथ तो ऐसे भी अच्छा लगता है, तो फ्रेंड के साथ मौज मस्ती होती है। अच्छा, नाच नाच गाना भी होगा? एकदम एकदम कंपलसरी है, इसमें तो हो रहा ही है डांस। मैं चाहूंगी कि जब हमने यू नो कलर्स की बात कर ली, ड्रेस की बात कर ली, खान पान की बात कर ली, कोई एक ऐसा जो मतलब कुछ अच्छा मुझे गा के गुनगुना के सुनाना चाहे, कोई एक ऐसा जो मतलब थोड़ा गुनगुना के, क्योंकि तीज का मौका है तो कोई एक तो गुनगुना दे जो बहुत ही अच्छा। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी, जो अपने से आना चाहे। हाँ, हरियाली तीज पर मैं चाहूंगी कि कम से कम एक दो लाइन जो है वो आप जरूर गुनगुनाइए, कोई भी गाना जो आपको पसंद है। अच्छा सर, सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे रे से जैसे मन माना चे मो। जो डांस
करना चाहे वो कर सकते हैं। आप गाइए। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रे झूम रे सिरे जैसे मन माना छे मोर। करे क्या जाने हम कोई इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे वन माना चे मोर। मतलब बहुत ही खूबसूरत आवाज और बहुत ही खूबसूरत गीत, सावन का महीना पवन करे शोर, जियर अरे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। पानी पानी में आग लगाई, दिल में तो दिल को मेरी याद आई, तेरी याद आई तो तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच। सभी जो महिलाएं हैं वो बहुत ही खूबसूरत अटायर में आज सावन सिंझारा मना रही हैं। आपने देखा किस तरह से हरियाली तीज और सावन के गीतों पर यह झूमती नजर आई हैं, और बेहद ही खूबसूरत अंदाज में और बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो है इन्होंने गीतों की भी प्रस्तुति दी। अभी गेम भी होगा और बहुत सारी चीज़ों की, और मुझे लगता है कि दीपाली जी को ये सभी महिलाएं थैंक्स बोल रही हैं इतने खूबसूरत आयोजन के लिए। क्या अगले साल भी इस तरह का आयोजन होगा? मैं तो 2005 से यहाँ पे आई हुई हूँ ट्रांसफ़र होके, उसके बाद से रेगुलर कर रही हूँ। तो सभी महिलाओं बहुत मज़ा आता है कि सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, सभी महिलाओं को उम्मीद है कि सावन सिंझारा जो है वो अगले साल भी मनाया जाएगा, और इसी अंदाज में इसी खूबसूरत परिधान में। और जितनी महिलाएं हैं वो मैं चाहूंगी कि न्यूज़ विंग की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से भी उन्हें हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई। आप लोग यूं ही बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, और जो हमारा टीवी चैनल है उसे आप देखते रहिए। सहयोगी नूतन के साथ कीर्ति तिवारी, रांची। टफॉन XT600 HCR TMT रीबा। पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।